रंजू की बेटियां, ये शो आता है दंगल टीवी पर। तो चलिए चलकर देखते हैं कि रंजू की बेटियां में किसका किससे दंगल चल रहा है। किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। अगर हम सीधी सादी सालू की माँ है तो धोबी पछाड़ देने वाली बुलबुलिया की भी माँ है। एक बात और, आपके परिवार में का समस्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे परिवार पर अगर उंगली उठाना तो बाबा गरीबनाथ की कसम, ये उंगली हम उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार अपने आप को भी देख लेना चाहिए। आपके बेटे अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनको धक्का मारते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इसमें इनकी गलती ना ही है, इसमें आपकी गलती है, आपकी परवरिश की गलती है। हम मानते हैं कि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग होता है, लेकिन बच्चों के लिए बाप की छाया भी जरूरी होती है। आज आपके बेटे वही गलती कर रहे हैं जो बरसों पहले मिश्रा जी ने की थी। अपने पिताजी की बात ठुकराकर उन्होंने आपका हाथ थामा था। हम नहीं जानते उनका फैसला सही था कि गलत, हम केवल इतना जानते हैं कि वो अपनी बात पर डटे रहे, क्योंकि उन्होंने आपको वादा दिया था। इस तरह का मजबूत इरादों वाला इंसान आज इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि उसे मरना जीने से भी ज्यादा आसान लगने लग गया? इसकी जिम्मेवार आप है। बस रंजू मिश्रा, ज़बान संभाल के बात करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ललिता जी, बस अब बहुत हो चुका, बस यूं समझ लीजिए आपका और हमारा साथ यहीं तक था। अच्छा होगा अगर आप यहां से ही लौट जाएं। मिश्रा जी, आपको हमारे पास वापस लौटना ही होगा। हम हर कीमत पर आपको पाकर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। चलो लकी विकी।